आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एक प्रसंग द्वारा जानेंगे कि जो पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देता है, परमात्मा उसका बाल भी बांका नहीं होने देते। प्रसंग पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा धार्मिक प्रवृत्ति व परमात्मा में आस्था रखने वाला था। राजा एक बात से दुखी रहता था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए काफी यत्न किए, लेकिन सब व्यर्थ। वह चिंतित रहता कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन वह इसी चिंता में बैठा था कि उसकी रानी ने कहा, हमारे पास संतान प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं, या तो आप दूसरा विवाह कर लें, या मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वो हमें संतान प्राप्ति का कोई ना कोई मार्ग अवश्य बताएंगे। रानी के कहने पर राजा ने तांत्रिक को बुलाना उचित समझा। तांत्रिक आया और उसने राजा और रानी से कहा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए आपको किसी अन्य बालक की बलि देनी होगी, और बालक भी ऐसा जिसके माता पिता स्वयं उसे बलि के लिए दे। तांत्रिक की बात सुन राजा ने ऐसा करने से मना कर दिया, पर तांत्रिक के जाने के बाद रानी ने राजा को यह कहकर मना लिया कि हम जबरदस्ती किसी के बालक की बलि नहीं दे रहे हैं, और कोई अपनी खुशी से ऐसा करे तो हम मना नहीं करेंगे। रानी के बहुत मनाने पर राजा इस बात के लिए तैयार हो गया और पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी गई कि कोई भी अपनी मर्जी से अपने बालक की बलि देने को तैयार है तो वह राजा से मिले, इसके बदले उन्हें बहुत सा धन दिया जाएगा। उसी नगर में एक गरीब दंपति रहता था, जिनके कई बालक थे। वे गरीबी से जूझ रहे थे, एक समय के भोजन के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता था। उन्होंने जब राजा द्वारा की गई घोषणा सुनी तो वे अपने एक बालक की बलि देने को तैयार हो गए। जिस बालक की बलि देना उन्होंने स्वीकार किया, वह बालक बड़ा ही समझदार और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला था। माता पिता ने सोचा, वैसे भी ये कुछ नहीं करता है, बस सारा दिन भगवान का ही नाम लेता रहता है, इसे ही राजा को दे देते हैं। इसके बदले हमें बहुत सा धन मिलेगा, जिससे हमारा और हमारे और बच्चों का जीवन अच्छे से बीतेगा। उन्होंने वह बालक ले जाकर राजा को दे दिया। कुछ समय बाद बालक को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया गया। जब बालक को बलि के लिए लाया गया तो राजा और रानी भी वहां मौजूद थे। राजा ने प्रेम पूर्वक बालक से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बालक ने कहा, यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। उसी समय मिट्टी लाकर बालक को दे दी गई। बालक ने मिट्टी के चार ढेर बनाए, एक एक करके उसने तीन ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। राजा ने बालक से ऐसा करने का कारण पूछा तो बालक ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, जिनका ये कर्तव्य था कि वे मेरी रक्षा करें, लेकिन उन्होंने धन के बदले मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी समाप्त कर दी। दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की व समाज के लोगों की है, जिन्होंने ऐसे गलत कार्य के लिए मेरे माता पिता को समझाया नहीं। और तीसरी ढेरी आपकी है, क्योंकि राजा का ये कर्तव्य होता है कि वे अपनी प्रजा की रक्षा करें, लेकिन रक्षा के बदले आप स्वयं ही मेरी बलि दे रहे हैं, इसलिए मैंने इसे भी नष्ट कर दिया। अब ये चौथी ढेरी मेरे सद्गुरु और परमपिता परमात्मा की है, जिन पर मुझे विश्वास है कि वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। बालक की ये बातें सुनकर
राजा ये सोचने पर विवश हो गया कि कितना समझदार बालक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला है। इसकी बलि देकर मैं घोर पाप का अपराधी बनूंगा और पता नहीं फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हो या ना हो। इस निर्दोष बालक की बलि के बाद मुझे पुत्र मिल भी जाए तो क्या लाभ। ऐसा सोचते सोचते राजा के मन में आया, क्यों ना इस बालक को ही मैं अपना पुत्र बना लूं। राजा ने तुरंत उस बालक को ही अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। रानी और प्रजा भी राजा के इस फैसले से खुश हुए। बंधु, जो व्यक्ति अपने गुरु और उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होता और परमात्मा एक क्षण में उन्हें अंधकार से प्रकाश में लाकर खड़ा कर देते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।